नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज। मैं हूं अनुभव वर्मा। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। आपको बताते हैं, बिजनौर के रामपुर बकली में नागरिक सुरक्षा बल का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रामपुर बकली की रहने वाली प्रीति शर्मा को डिस्ट्रिक्ट वुमेन सेल ऑफिसर मनोनीत किया गया। इलाके में तमाम महिलाओं ने प्रीति शर्मा को फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अर्चना चौधरी ने प्रीति शर्मा को अपॉइंटमेंट लेटर देकर और आई कार्ड देकर किया सम्मानित। परिवार में दौड़ी खुशी की लहर। प्रीति शर्मा ने माइक पर बोलते हुए कहा कि महिलाओं के साथ अत्याचार किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा संस्थान रात दिन महिलाओं की सेवा के लिए खड़ा है। देखिए हमारे सहयोगी नीरज पाल की यह रिपोर्ट। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम प्रीति शर्मा। मैडम, आज कार्यक्रम क्या उद्देश्य है? जी सर, ये मैं नागरिक सुरक्षा फाउंडेशन में ऑफिसर हूँ। ये उसी का ही प्रोग्राम कर रही हूँ। कितने लोगों की संख्या में महिला यहाँ पर रहेंगी? कितनी महिला रहेंगी? सर, मतलब काफी लोग रहेंगे जो मेरे संपर्क में होंगे, लोग यहाँ पे आएंगे और आगे जितनी भी संस्था चलेगी उसको मैं बनाऊंगी। लगभग कितने लोग? लगभग 150 लोग। तो ये जो क्या जागरूक करने के लिए कर रहे हैं महिलाओं, क्या जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं? इसलिए क्योंकि जो भी परेशानी हो हम हल कर सकें और किसी को कोई भी परेशानी हो और वे आकर हमसे बताएं और हम उनकी मदद करें। अभी तक आपने महिलाओं को मदद की है? जी, किस तरह से मदद करता है आपका संस्थान? जी सर, अगर उनको कोई परेशानी हो, उनके सास ससुर उनको मारने पीटने की धमकी दे रही हो, जलाने की धमकी दे रही हो, जी सर उन्हीं कामों में हम मदद करते हैं। किसी को कोई भी परेशानी हो उसी के साथ हम खड़े हैं सर।